तो अभी एक क्वेस्ट है, बाउंटी क्वेस्ट, जिसमें बग टाइप पोकेमॉन पकड़ना है। तो आई गेस वो रूट 3 पे था, या आई गेस रूट 2। ओके, रूट 2 पे, 3 पे तो एक भी बग टाइप नहीं। एक है पिंसर जो कि रेयर है। तो ओके, रूट 2 पे। ओके, कैटर भी इजीली मिल जाएगा यहाँ पे। वाह, इनका चाहिए नहीं रहता तब आते बेकार में। ओके, तो वीडल इसको पकड़ते हो, और ऑफ कोर्स थोड़ा ट्रबो, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं करनी, वैसे भी बहुत पड़े। 20 के बाद एक और बाउंटी मिशन करना ही है, तो चलते इसको सबमिट करते हो और एक नया लेके आते। A few moments later. ओके, तो 3 रेटेटा तो यहाँ पे तो मिल ही जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ऑफ कोर्स वो कॉमन है तो। अरे फिर से, और इस बार पक्का मिल ही जाएगा। और हुट हुट, ये थोड़ा रेयर है, लेकिन ठीक है, मार दे रहे, अभी पकड़ना नहीं है। तो रूट 2 पे तो नहीं मिला, रूट 4 पे ट्राई करते, वहाँ पे भी मिलता है तो। और यहाँ पे थोड़े रेयर पोकेमॉन है तो इजीली मिल जाएगा। अभी 2 पकड़ने, उसके बाद फिर से चलते बाउंटी मिशन, इसको सबमिट करके न्यू लेके आते। ओके, फाइनली कंप्लीट हुआ है, ज़्यादा हार्ड नहीं था लेकिन। 5 minutes later. ओके, तो अब नेक्स्ट कैच 1 बग टाइप और 2 बग टाइप। लीक तो मैं करने से आया, तो पहले 1 पे चलते, क्योंकि 2 बाद में करेंगे, एक जल्दी कंप्लीट हो वही अच्छा है। तो फिर से चलते रूट 2, क्योंकि और ये गैस पॉन। ओके, अभी कितने, 8 और करने, आज 3 कर पाएंगे क्योंकि 10 मैक्स रहता है, 5 कल कर लेंगे, मतलब कल ही कंप्लीट होने वाला है तो। और अब रेटेटा, कसम से वो पहले मिला ना, इतनी बुरी मौत मारूंगा उसे। और रेटेटा सॉरी। सो है गाइस एंड वेलकम बैक इन अनदर एपिसोड ऑफ ट्रेनर्स कैनियन। तो ये सफारी में मेरे को एक सेड निंजा मैंने पकड़ लिया, मेगमी में ट्राई किया लेकिन 5 ही स्कैनर थे तो मिला नहीं, लेकिन ठीक है। वो आज मेरे वो ट्रेनर हरा के, वो होता है ना रूट कंप्लीट करके जो मिलते हैं क्रिस्टल, वो मैंने बचा के रखे, उसको क्लेम करके ट्राई करते इसके बाद हुआ तो। और डे 6 तक मैंने सारे, मतलब एक भी मिशन मैंने नहीं छोड़ा, तो डे 7 का तो वैसे भी ईजी है। बाकी कैप्सूल वाला मैंने कर लिया, और पहले इनको क्लेम करते और देखते ये रूट वाला कंप्लीट नहीं हुआ। आई गेस एक रेड करके ट्राई करते लास्ट ट्रेनर, क्योंकि वो उससे क्लियर होता है रूट, तो इसको रेड किया और अब आई गेस ओके हो गया। ओके, रूट 9 तक का ही हो गया, मुझे लगा हर एक में रेड करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है हो गया। अब इनको क्लेम करते मीडियम पिनबॉल बॉक्स,
जिसको फ्यूचर में मिला तो क्लेम करेंगे। और फाइनली लास्ट मिशन, कितने 5 हो गए, 5 बार करना है। ओके, पहली बार हो गया, अब दूसरी बार। वैसे भी ज़्यादा अच्छी लूट मिलती नहीं तो वो भी नहीं, बस मिशन कंप्लीट करना है। कोइन तो वैसे भी पड़ रखे, कुछ पोकेमोन मिल रहे हैं उनको कैच या रिलीज कर लूँगा। पोकेमोन एम्बलम मिलते हैं जिससे कि आप टाइपिंग बॉल खरीद सकते हो, और ज़्यादा कुछ नहीं। वहाँ पे कितने 10,000 के आई गेस 5 या 10 अल्ट्रा बॉल मिलते, बहुत ही घटिया है। इससे अच्छा पता है खरीद लो क्रिस्टल से, क्योंकि एम्बलम ज़्यादा रेयर है। और इसके साथ ही कंप्लीट हो गया हमारा मिशन। इतने कंजूस भाई, कितने एक एक दो दो कॉइन बैग, और 106 में से 106 मिशंस कंप्लीट। अब फाइनली लूट गया, मतलब ज़्यादा हार्ड तो मेरे को नहीं लगा, दूसरों के लिए क्या हुआ मेरे को नहीं पता, लेकिन एकदम फन था। 7 डे टास्क इजी पीजी कंप्लीट हो गया, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। मतलब डे 1 के थोड़े हार्ड थे, क्योंकि तब तो कुछ था भी नहीं। और कितने सबसे पहला हार्ड था वो बॉल्स पिकअप करने वाला, वो कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा था, लेकिन ठीक है जैसे तैसे कंप्लीट हो गया। और फाइनली 2 लेजेंडरीज और 1 रेयर पोकेमोन, या फिर कह सकते हो एस पोकेमोन इस गेम के लिए, क्योंकि वंडर गार्ड एबिलिटी। और सामने जिसके पास फायर रॉक और जो 5-6 टाइपिंग वो ना हो तो हो गया। और दूसरा एस पोकेमोन स्टार्टिंग के लिए मेडिचैम, उसका मेरे को एडमेंट नेचर वाला मेरे को मिल गया था सफारी से, तो या आई गेस एक नए वाला मेरे को एकदम बेस्ट नेचर वाले में से मिला। और 2 ट्रेनिंग स्लॉट भी खरीद लेते, क्योंकि अब ज़्यादा पोकेमोन हो गए तो मेन टीम वैसे भी बनने वाली, इनको लेवलअप करने में ज़्यादा कैंडीज लगेगी, तो उससे अच्छा इस यहीं पे कर लो 100 क्रिस्टल में। और ये लग गया हमारा, लूट गया, और बाकी कितने 4 बचे वो फ्यूचर में करेंगे। और मैं बात कर रहा था मेगमी की, मैं कैच नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे को भी याद आया कि मेगमी के पास क्या थंडर पंच और वो रहते, तो इट्स जस्ट काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ मेडिचैम। और मेडिचैम मेरे पास है ही बेस्ट नेचर के लिए, आई गेस, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता ज़्यादा नेचर का, लेकिन ठीक है। आज के लिए इतना ही, आई विल सी यू इन ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।